सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। देशवासियों को दीपावली के अनेक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने दी दीप पर्व की बधाई। देश की रक्षा क्रांति पर हर भारतीय कर सकता है गर्व। प्रधानमंत्री मोदी बोले, मिलकर करेंगे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। बेंगलोर के 3 दिवसीय सीक्रेट दौरे पर रहे किंग चार्ल्स, ताजपोशी के बाद की पहली भारत यात्रा। एलएसी से पीछे हटी भारत चीन की सेना, दिवाली पर कराएंगे मुंह मीठा, सेना ने बताया सीमा का हल। एयर इंडिया के अमेरिका के लिए 60 उड़ानें रद्द, विमानों की कमी के कारण एयरलाइंस ने लिया फैसला। आतंकी आकाओं को देश छोड़ना होगा, गुजरात की केवड़िया से प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज। भारतीय सेना के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं, रक्षा मंत्रालय ने आर्मी को दी बड़ी पावर। केजरीवाल बोले, सीएजी को आयुष्मान में गड़बड़ियां मिली, हमारी सरकार में करोड़ों का फ्री इलाज हुआ है। अस्थमा के एक तिहाई मामलों में प्रदूषण के महीन कर जिम्मेदार, दुनिया की करीब 4% आबादी अस्थमा से चिन्हित। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों के हटने की प्रोसेस पूरी, दिवाली पर एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। जगमीत बराड़ नहीं लड़ेंगे उपचुनाव, आखिर दिन वापस लिया नामांकन, मैदान में बचे सिर्फ 45 उम्मीदवार। दीपावली पर पंजाब हरियाणा में बड़े पैमाने पर जल सकती है पराली, पर्यावरण मंत्रालय ने दोनों राज्यों को किया सतर्क। विपक्ष के गुंडों ने हमला किया, हिम्मत है तो सीबीआई जांच कराए। केंद्रीय मंत्री की विजन सरकार को बड़ी चुनौती। तिरुमाला में दूसरे धर्मों के लोगों को वीआरएस दिलाएंगे टीडीपी के नए अध्यक्ष बीआर नायडू। कनाडा के गैंगस्टर भारत में रच रहे हैं साजिश, खुद की पुलिस ने खोली जस्टिन ट्रूडो की पोल। औरैया में डीएम की बड़ी पहल, दीपावली पर जरूरतमंद परिवारों में बांटी गई मिठाइयां, दिया बाती खिलौने और पूजा की पहुंचाई गई सामग्री। यूपी उपचुनाव की सरगर्मी तेज, दिग्गजों की नाक का सवाल बनी फूलपुर सीट, भाजपा ने दीपक पटेल को बनाया अपना प्रत्याशी। बाराबंकी में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, तेज रफ्तार पिकअप ने 2 लोगों को रौंदा, हादसे में 1 की मौत। अयोध्या में रामनगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी में सीएम योगी कर रहे हैं दर्शन पूजन।
दीपोत्सव वर्ल्ड रिकॉर्ड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट, ये रिकॉर्ड सनातन संस्कृति का जय घोष है। गाजियाबाद में त्योहारों को लेकर पुलिस हुई सख्त, पुलिस ने की पैदल गश्त, संदिग्ध वाहनों की कर रहे हैं बराबर चेकिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, रामनगरी में रुके 20 घंटे, दलित बस्ती में चॉकलेट बांटी, रामलला के दर्शनों के बाद मिले संतोष। बदायूं में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 5 घायल। दिवाली मनाने नोएडा से घर जा रहे थे सभी और हो गया ये हादसा। दिवाली पर अलर्ट, अस्पताल रिजर्व हुए बेड, मुस्तैद रहेंगे दमकल कर्मी। आगरा में पापी मकान मालिक ने किशोरी के साथ की दरिंदगी, छोटी बहनों को भी साथ में बुलाया। महाकुंभ के पांटून पुलों में लगाने को खरीदे गए घटिया वायर रोप, प्रशासन से की गई इसकी शिकायत। किशोर का सिर काटने का मामला, होगी मजिस्ट्रेटी जांच, राजस्व विभाग की लापरवाही आई बड़ी सामने। यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए 18 लाख रजिस्ट्रेशन, परीक्षा में बैठने के लिए किया गया अनिवार्य। सजाए मौत मिलते ही देखने लगा अपने हाथ, दरिंदे के मुंह से निकले ये शब्द, बालिका का मारते समय ना आया रहम। बालिका से दुष्कर्म, फिर हत्या, बाथरूम में टांगी शर्ट, मिटा ना सका वो सबूत जिसने फांसी के फंदे तक दोषी को पहुंचाया। दिवाली में यात्रियों की भीड़ के आगे छोटी लगी बसें, ट्रेनों में नहीं मिली सीट, परेशान हुए सभी यात्री। हमीरपुर में रात 12 बजे तक खुली रही बाजार, 9 बजे खोल दी गई नो एंट्री, गार्डों के भरोसे यातायात तो व्यवस्था। अलीगढ़ शहर को 3 जोन और 16 सेक्टरों में बांटा गया, स्वास्थ्य विभाग फायर ब्रिगेड अलर्ट। हमीरपुर हादसे में 3 की मौत, एक साथ उठी पिता और दोनों बेटों की अर्थी, मां रोते रोते चीख पड़ी। अलीगढ़ में प्रदेश उपाध्यक्ष जियाउर रहमान के निष्कासन पर रोक, बने रहेंगे पद पर, चेतावनी जारी। मुरादाबाद को 15 सेक्टर में बांटा शहर, ड्रोन से निगरानी, बाजारों में वाहनों की एंट्री हुई बंद। सेवानिवृत्त आरपीएफ कर्मी की ट्रेन में बिगड़ी तबियत, स्टेशन पर उतारा गया, मेडिकल में किया गया भर्ती। बदायूं में एक किन्नर की हत्या, बदमाशों ने लूटपाट के बाद फावड़े से काटा गला, कमरे में खून से लथपथ मिला शव। इको फ्रेंडली पटाखों की मांग, पिछले साल से कीमत 25% बढ़ी, शहर में 30 जगहों पर लगी है दुकान। दिवाली की रौनक से सराबोर मुरादाबाद, बाजारों में जबरदस्त भीड़, मूर्तियों और फूलों की जमकर की गई खरीदारी।
बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर लगे होर्डिंग, फायर डाले, सपा छात्र सभा जिलाध्यक्ष हुए गिरफ्तार। लखनऊ में कमल, गुलाब और सेवंती की बड़ी डिमांड, दीपावली पर गेंदे के फूल की मांग तेज। लखनऊ में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, चौक इलाके में बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर भी लगी आग। यूपी के 8 चिकित्सा अधिकारी बने निदेशक, दीपावली पर 48 डेंटल सर्जन का भी किया गया प्रमोशन। लखनऊ में ऑनलाइन दोस्ती कर 1 लाख से ज्यादा ली उधार, पैसा मांगने बोली ज्यादा पुलिस थाना करोगे तो रेप के मुकदमे में भेजूंगी जेल। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में दीपोत्सव के साथ शुरू हुई कपाट बंदी प्रक्रिया, दीपों से सजेंगे गंगा घाट। धारा 163 हटने के बाद भी मस्जिद मार्ग पर पुलिस का पहरा, संवेदनशील स्थानों पर भी रहेगी नजर। ड्रोन से दून काशीपुर में पानी का हुआ छिड़काव, पीसीबी का दावा, पहली बार राज्य में किया गया प्रयास। दिवाली पर बिजली आपूर्ति में लापरवाही करने वाले अधिकारी नपेंगे, एमडी हर घंटे लेंगे रिपोर्ट। सैनिकों संग दीपावली मनाने लैंसडॉन पहुंचे सीएम धामी, प्रवेश वासियों को दी शुभकामनाएं। रोडवेज कर्मचारियों को सौगात, मिला दिवाली का बोनस, परिवहन निगम ने जारी किया आदेश। शीतकाल के लिए बंद हो गई फूलों की घाटी, इस साल अच्छी तादाद में पहुंचे पर्यटक। राजधानी के अस्पतालों में भी मुस्तैदी, वन वार्ड इमरजेंसी में रहेगी डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी। धामी ने परिवार संग खरीदे मिट्टी के दीपक और मूर्तियां, बोला कारीगर आते रहिएगा सीएम सर। एम्स ऋषिकेश में इलाज हुआ शुरू, पहला रोगी पंजीकृत, मिलेगा 5 लाख तक का निशुल्क इलाज। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन को लेकर 100 देशों के विशेषज्ञ करेंगे शिरकत, अब तक हुए 4000 से ज्यादा पंजीकरण। दिवाली पर अच्छी खबर, कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती का मौका, जल्द शुरू हो रहे हैं ऑनलाइन आवेदन। पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगी फूलों की घाटी, इस साल 19,000 से ज्यादा ने किया दीदार। बाद हर की पैड़ी पर कल गंगा में छोड़ा जाएगा जल, श्रद्धालुओं को स्नान के लिए मिलेगा भरपूर पानी। सीएम धामी के निर्देश, हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद खरीदेंगे सभी सरकारी विभाग। उत्तर कोरिया की मिसाइलों की पहुंच अब अमेरिका तक, अधिकारियों का दावा, आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण किया गया।
कनाडाई अपराधी भारत में गुर्गो के निर्देश दे रहे, आरसीएमपी आयुक्त पर सांसदों को बड़ा संकेत। युद्ध विराम की कोशिशें तेज, अमेरिका के कई अधिकारी पश्चिम एशिया के दौरे पर, यूएस ने ईरान को चेताया। चुनौतियों को देखते हुए इजराइल की नई पहल, पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया नया डिवीजन। स्पेन में अचानक आई बाढ़ में अब तक 95 लोगों की मौत, वाहनों को भी हुआ बड़ा नुकसान। ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोकने के लिए यूक्रेन रूस में बातचीत, की में टीम भेजेगा दक्षिण कोरिया। पाकिस्तान में मरियम नवाज ने मनाई दिवाली, न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ लाइट शो। मस्क ने 3 पार्टनर, 11 बच्चों के लिए घर बनाया, कीमत 294 करोड़। अरबपति बोले, सब साथ रहेंगे तो उनसे आसानी से मिल सकूंगा। अफगानी महिलाओं के लिए इबादत के वक्त तेज बोलने पर रोक, तालिबान ने कहा तेज आवाज में कुरान नहीं पढ़ सकेंगी महिलाएं। तूफान ट्रॉमी ने मचाई तबाही, मरने वालों का आंकड़ा 150 के करीब, कई लोग हुए लापता। लेखा महानियंत्रक की रिपोर्ट, पहली छमाही में राजकोषीय घटा 29.4%, शुद्ध कर राजस्व संग्रह 12.65 लाख करोड़। सोने की मांग तीसरी तिमाही में 9 साल के शीर्ष पर, खपत 18% बढ़ी, ऊंची कीमतों का असर नहीं। एनएसई के ग्राहकों का खाता 20 करोड़ के पार, हेस्टर बायो का लाभ 108% बढ़ा। ग्राहकों का खाता। भारत सऊदी को पछाड़, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना, यूरोपी को प्रतिदिन 20 लाख बैरल क्रूड निर्यात। जनरेटिव एआई में तेजी से बढ़ रहा भारत, 2028 तक अमेरिका से निकल जाएगा आगे। केंद्र सरकार ने पेंशनरों को दिया दिवाली तोहफा, मिलेगी डीआर की एक अतिरिक्त किस्त। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत में भारी उछाल, दिवाली के दौरान बढ़ी मांग। दिवाली के दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स करीब 300 अंक गिरकर 79,866 के स्तर पर। तिमाही नतीजों के बाद 4% चढ़ा अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर, एक साल में 29% का रिटर्न दिया। ओला इलेक्ट्रिक के दावे की होगी जांच, कुणाल कामरा ने अब सीसीपीए को लिया निशाने पर। रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट देने की डेडलाइन, पंत अय्यर का रिलीज होना लगभग तय। इंग्लिश कप्तान स्टोक्स के घर चोरी, कीमती सामान और मेडल भी ले गए चोर।
फिर आरसीबी की कप्तानी कर सकते हैं कोहली। मौजूदा कप्तान डू प्लेसिस के रिटेन होने की संभावना कम। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रबाडा नंबर वन गेंदबाज बने बुमराह, तीसरे स्थान पर फिसले। मुंबई टेस्ट में पहले दिन से टर्न देखने को मिलेगा, भारतीय टीम चाहती है पिच। मुंबई में पैदा होने वाला वानखेड़े में बनेगा टीम इंडिया का काल, अनिल कुंबले का किया काम। विराट कोहली को प्रपोज करने वाली डेनी की आरसीबी में हुई एंट्री, यूपी वॉरियर्स से टूटा नाता। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की बड़ी मुश्किलें, धोखाधड़ी केस में नए तरीके से होगी जांच। कगिसो रबाडा ने बुमराह से छीना नंबर वन गेंदबाज का टैग, टेस्ट रैंकिंग में कोहली पंत टॉप 10 से बाहर। हर्षित राणा का होगा टेस्ट डेब्यू, प्लेइंग 11 में बुमराह को रिप्लेस करने को है तैयार। नीना गुप्ता अब कर देती हैं फिल्मों को मना, कहा भिखारियों के पास चुनने का अवसर नहीं होता। ये भूल भुलैया 3 है तो कंफ्यूजन तो बनता है, दो दो मंजुलिकाओं की एंट्री पर बोले कार्तिक आर्यन। सलमान को हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार, 56 साल के आरोपी ने ट्रैफिक पुलिस को भेजा था मैसेज। जब तलाक की खबरों पर भड़के थे अभिषेक, कहा था बता दो कब शादी कर रहा हूं। इंदिरा कृष्ण को सलमान ने दी थी धमकी, थप्पड़ सीन से पहले चिताया था। रेणुका स्वामी मर्डर को लेकर कन्नड़ एक्टर दर्शन जेल से रिहा, सुबह मिली थी हाईकोर्ट से जमानत। सूर्या की फिल्म कंगवा के एडिटर ने सुसाइड की, 43 साल के निषाद ने चौथे फ्लोर से लगाई छलांग। उनसठवें जन्मदिन पर ग्रैंड पार्टी होस्ट करेंगे शाहरुख, गेस्ट लिस्ट में शामिल 250 सेलेब्स। दो करोड़ दो या मरने को तैयार रहो, सलमान खान को फिर मिली धमकी, एक हुआ गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई अच्छा आदमी, सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने फिर लगाए गंभीर आरोप। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।